नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर है आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, काला चना, जी हाँ, चना चाहे काला हो या कैसा भी, काबुली चना हो या छोले हो, ये सभी चने दोस्तों हमारे सेहत में ताकत फूकने के लिए और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काले चने से संबंधित ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुनी हो, और यकीनन आपकी हेल्थ के लिए ये जानकारी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरी ज़रूर सुने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप ही सब लोगों के लिए ये जानकारियाँ लेकर आते हैं जिससे आप अपने सेहत के प्रति पूरे रूप से सजग रहें और अच्छी सेहत को पाने के लिए प्रयत्न करते रहें, और हर चीज़ की जानकारी ही आपको अच्छी से हेल्थ के लिए प्रेरित करती रहती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको सारी ज़रूरी जानकारियाँ स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग करते रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया कीजिए, हमें बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप निरंतर अच्छी अच्छी सेहत की टिप्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बिना किसी सोच विचार के। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, काला चना लगभग हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी के घरों में काला चना उपलब्ध होता है। कुछ लोग दोस्तों इसकी सब्जी बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको उबालकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसे अंकुरित करके और भून करके खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप चाहे चने को किसी भी रूप में खाएं, लेकिन इसे खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं। हालांकि चने का इस्तेमाल हर तरह से फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों अंकुरित काला चना खाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, अंकुरित चना खाने से क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के साथ ही फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत भी पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं काला चना खाने के कुछ ऐसे फायदे जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, काला चना फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए इसे यह पाचन क्रिया के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। रात भर भिगोकर रखे गए काले चने को खाने से कब्ज की शिकायत में फायदा होता है। साथ ही जिस पानी में काले चने को भिगोया गया हो उस पानी को फेंकने के बजाय अगर पी लेते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, काला चना खाने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप चने को गुड़ के साथ लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदा आपके लिए करेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काला चना का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो डायबिटीज़ के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, जिससे डायबिटीज़ कम होने के आसार देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एनीमिक हैं तो चने को अपनी आदत में ज़रूर डालें। एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एनीमिया के मरीज यानी कि जिन्हें खून की कमी है, तो ऐसे में खून की कमी को पूरा करने के लिए भी काला चना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। दोस्तों, काले चने के पानी से अगर आप लोग चेहरा धोते हैं तो चेहरे पर चमक आती है, तो इस लिहाज से साबित होता है कि काले चने को न सिर्फ खाने से बल्कि इसके पानी से मुंह धोने से भी यह स्किन के लिए भी बेनिफिशियल माना गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे काले चने के संबंध में वो जानकारी जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी, और कितना यह बेनिफिशियल होता है, कितना यह फ़ायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिहाज से, वो सारी जानकारी हमने आपको दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।